राजस्थान की गर्मा रही सियासत के बीच राजस्थान की पूरी सरकार रेगिस्तानी जैसलमेर के धोरों में बसी हुई है। यहाँ आके एक होटल में किलेबंदी में कैद है या हर तरह से वो लुत्फ भी ले रही है, पॉलिटिकल टूरिज्म का लुत्फ ले रही है। इनके साथ जैसलमेर में हरीश चौधरी भी आए हैं जो राजस्व मंत्री है सरकार के। इनसे हम पूछेंगे किस तरह की बाड़ाबंदी चल रही है, किस तरह सरकार की जो अगली कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह की सियासत जो है जैसलमेर के इस रेतीली धोरों में इनके सानिध्य में की जा रही है। पहली बात तो पूरी सरकार यहाँ नहीं है, अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री हुए, कई मंत्री है, प्रसादी लाल मीणा, रघु शर्मा, प्रताप सिंह जी खाचरे आवास, वो तमाम लोग, कई लोग हम लोग जैसलमेर में, कई लोग जयपुर से अपना सरकारी कार्य कर रहे हैं। ऐसी कोई बाड़ेबंदी और किलेबंदी जैसी कोई हम लोगों की व्यवस्था नहीं है। सोते ही सभी हम लोगों ने, विधायकों ने ये बात रखी पार्टी प्लेटफॉर्म पर और मुख्यमंत्री जी के सामने कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उनका जो कार्य प्रणाली पिछले दिनों के अंदर रही है, उनका मुकाबला करने के लिए हम लोग एक जगह ही रहेंगे। और ये मांग और व्यवस्था हमारी पार्टी ने करी है, उसके लिए तो हम सब लोग उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक जगह हम लोग, और कोई भी प्रकार की बाड़ेबंदी है ही नहीं। या मंत्री जो जैसलमेर के अंदर है, चाहे बी डी कल्ला जी हुई, प्रमोद भैया जैन हुई, वो अपने बाहर आ रहे हैं, अपने धार्मिक कृत्य कर रहे हैं। अशोक चांदना जी जैसलमेर शहर से लगभग 15 किलोमीटर तक मैराथन के दौड़ करवा गई हैं। मैं खुद भी आपसे जब बात कर रहा हूँ, किसी प्रकार की या बाड़ेबंदी किलेबंदी किसी प्रकार की आपको नजर नहीं आएगी। ये एक तरह की शब्दावली है, पर इस तरह की कोई नहीं, हम स्वतः ही यहाँ आए हुए। ये कहा जा रहा सिर्फ 3 या 4 मंत्री ही जो है घूमते दिखाई दे रहे हैं, एक भी एमएलए जो है वो कहीं घूमता हुआ या कहीं बाहर विचरण करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज हाकम अली जी को देख लो, वो अपने गांव में है, वो विधायक है। प्रशांत बेरवा जी के भी अपने खुद के विधायक सभा क्षेत्र के अंदर गई, जब आवश्यकता पड़ी उस वक्त विधायक भी सब अपने अपने जगह पर गई थी। कह रहे होटल में जैमर लगे हुए हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है। नहीं, ये तो जो हम लोगों ने चाह कि जिस प्रकार की व्यवस्था विधायकों ने चाही और पार्टी ने करी, उतने तमाम व्यवस्था हम लोगों की मांग के अनुरूप ही जी। एक बात चर्चाएं चल रही है कि जो विरोधी गुट है वो हाईकमान से दिल्ली में मिला है और वहां पे उन्होंने मांग की है कि यहाँ पे जो है उसका अशोक गहलोत के बजाय कोई और सीएम हो तो उस पर विचार कर सकते हैं, तो वापस लौट सकते हैं। तो इसमें क्या संभावना है, ये कितनी सच्चाई है या इसमें क्या कहा जा सकता है? ये चर्चा ही है और चर्चा के बारे में अपन लोग ये क्या मैं कह सकता हूँ जी। हमारा जो पार्टी का ऑफिशियल जो रणदीप सुरजेवाला जी जो एसीसी के हमारे मुखिया है मीडिया के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है, आज ही इस बात को उन्होंने दोहराया है कि भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी छोड़े और फिर उनके बारे में कोई ना कोई सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। ये ऑफिशियल स्टैंड है और यही हकीकत है, जो ऑफिशियल स्टैंड है यही, बाकी सब चर्चा ही। तो बाकी जो अशोक गहलोत जी के सब्स्टिट्यूट के बारे में जो बातें हो रही है उसमें कोई क्या, आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कांग्रेस विधायक दल का नेता तमाम विधायकों की चर्चा कर उनके जो बहुमत ने कहा वो तय हुआ है। अगर विधायकों ने अशोक गहलोत जी को तय किया तो अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री। कांग्रेस के अंदर ये व्यवस्था नहीं कि कोई भी नागपुर नहीं कि वहां से फैसला होकर नहीं आए, तमाम विधायकों की जो राय थी उसके अनुसार ही कांग्रेस के विधायक दल के नेता अशोक गहलोत जी। इसलिए जब विधायक दलों की बहुमत उनके साथ में, विधायक ये चाहते हैं, 102 विधायक जब यहाँ बैठ कर ये तय करते हैं कि हमारे नेतृत्व अशोक गहलोत जी के चाहिए, तो ये सवाल ही निराधार है। सबसे बड़ी एक बात करी जाएगी, जो राहुल गांधी जी हैं या सोनिया जी हैं, उन्होंने इस मैटर को इंटरफेयर करके क्यों नहीं इसको समेटना चाहता, ताकि इस मैटर को क्लोज किया जाए। आज 26-27 दिन हो गए और ये लगातार मैटर जो है लंबा चलता जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल जो उनको करना था वो किया है। आज उन लोगों के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर ऑब्जर्वर उन्होंने भेजे, तत्कालीन उन्होंने ऑब्जर्वर भेजे, रणदीप सुरजेवाला जी और अजय माकन जी ऑब्जर्वर के तौर पर हम लोगों के प्रदेश में आई और हम तमाम विधायकों से उन्होंने चर्चा करी और यहाँ की जो स्थिति, इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तत्कालीन उन्होंने ये सब कमान जो एक पार्टी की है वो संभाली भी और जो फैसले लेने होते हैं वो फैसले उन्होंने लिए। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जब उनको उपयुक्त लगा
उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष हटाए, मंत्री उनको उपयुक्त लगा तो मंत्री हटाए, एमएलए और एक मंत्री को निष्कासन करना था वो निष्कासन हमारे पार्टी ने किया, तो जो उनको उचित लग रहा है जो आवश्यकता है वो तमाम फैसले वो ले रहे हैं। इसलिए कोई सोनिया गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो तमाम फैसले उनकी सहमति से ही लिए जा रहे हैं। जी, तो क्या सचिन पायलट की घर वापसी होगी या नहीं, क्या संभावना है? नहीं, घर वापसी सचिन पायलट जी की होने के लिए संदर्भ में पार्टी बड़ी स्पष्ट हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी छोड़े, उसके बाद के अंदर जो अपने पक्ष है जी, वो पक्ष पार्टी के हम लोगों के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखे, उनसे जो कोई भी उनकी मेहमान नवाजी है उन्होंने इसमें स्वीकार की, उस संदर्भ में माफी मांगी है, वो फैसला करना राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार। एक महत्वपूर्ण बात, दो दिन पहले अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी कि वसुंधरा राजे जो है बीजेपी की बड़ी नेता है, ये छोटे छोटे नेता आ गए हैं जो कहीं टिकते नहीं है, तो एक क्या कहा जाए कि जो कांग्रेस और वसुंधरा मिलकर जो ये जो अभी ये सियासी जो गर्माहट है उसमें मिलकर काम कर रहे हैं? वसुंधरा राजे सिंधिया कांग्रेस कहीं भी मिले हुए नहीं, कांग्रेस पार्टी खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी अपने विचारों विचारधारा से खड़ी हुई है, और राजस्थान के लोगों ने यह फैसला किया है कि कांग्रेस की सरकार बने, तो ये राजस्थान के लोगों का मतदाताओं के दिया हुआ मैंडेट है, हमको किसी बेसाखी की आवश्यकता नहीं है हमारे विपक्षी पार्टी के नेतृत्व के अंदर। बहुमत के बारे में काफी अलग अलग बातें आती है कि जब आपके पास बहुमत है या इतने मेंबर हैं या इतने गायब हैं, तो ये सब इसके बारे में ये क्या कहा जा सकता है, वाकई आपके पास कितना बहुमत है क्या है? हमारे विरोधी खुद ही मान चुके हैं कि हमारे पास बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पूनिया जी सतीश पूनिया जी ने खुद ने यह बात स्वीकार की कि हमारे पास बहुमत है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग किसी प्रकार का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए मत विभाजन के हम लोग मांग नहीं करेंगे। तो लोकतंत्र के अंदर इस सवाल का जवाब कहाँ से आएगा, और कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई स्थान नहीं है, विधानसभा के अंदर ही ये विधायकों को ही फैसला करने की व्यवस्था है, उसके अलावा कहीं नहीं। बहुमत हमारे पास था, है और रहेगा। कुछ जो है उस बागी गुट के कुछ विधायक भी टूट के आपके पास आने की चर्चा है, इसमें कितनी सच्चाई है? वो लोग वहाँ बैठे, उन लोगों के किसी से संपर्क कराया नहीं जा रहा, भारतीय जनता पार्टी की मेहमान नवाजी के अंदर वो है, जब वो स्वतंत्र होंगे तो वो जब स्वतंत्र तौर पर फैसला करेंगे उस वक्त जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। और यहाँ से जाने की बातें हो रही है सर, यहाँ से जाने वाली तो अपने आप ही देख ली गई कि किसी ईडी से, इनकम टैक्स से, किसी प्रलोभन से, किसी लालच से डरने और दबने वाले लोग नहीं है यहाँ के जो बैठे हुए विधायक। हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए यहाँ बैठे हुए, संविधान की रक्षा के लिए भी यहाँ बैठे हुए। और जो विधानसभा का सत्र बुलाया उसमें क्या फ्लोर टेस्ट होगा, क्या माना? आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्कुल वही अंतिम स्थान है जहाँ संख्या हो और सरकार चलाने का अधिकार है, तो वो बिल्कुल जब आवश्यकता पड़ेगी तो वो बिल्कुल करेंगे। और एक अंतिम बात, यहाँ पे तो इसकी बात कह जाए कि लोग यहाँ पे आए, पॉलिटिकल टूरिज्म भी खूब लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, कोई खूब एंजॉय कर रहे हैं, और अंदर भी जो है कई प्रकार के गाने बजा रहे हैं, अंताक्षरी या सब प्रोग्राम चल रहे हैं। ये जैसलमेर, जो जैसलमेर को नहीं जान रहे हैं वो ये लोग हैं, ये रंग रंगीला जैसलमेर है, हमारे यहाँ की जो संगीत है पूरा देश ही नहीं दुनिया के अंदर इसकी चमक है, और यहाँ किसी प्रकार का टूरिज्म नहीं है, हम लोग यहाँ मिलकर जैसलमेर के अंदर बैठकर हम लोग लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए राजस्थान आगे कैसे जाए, आज जब हम लोग यहाँ कोरोना से लड़ रहे थे और सफलतापूर्ण एक मॉडल हम लोगों ने स्थापित किया जी, होना ये चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के मित्र हम लोगों की इस लड़ाई के अंदर मदद करें, राजस्थान के तरफ खड़े रहे जी, दुर्भाग्य है कि राजस्थान के तरफ खड़े नहीं होकर और कोरोना के अंदर हमारे साथ नहीं, हम तो कोरोना से लड़ रहे और ये कोरोना से लड़ने वाली ताकतों से लड़ रहे, तो ये राजस्थान का दुर्भाग्य। ये तो हरीश चौधरी जो बता रहे थे, हम पूरी तरह संगठित हैं और जो ये समस्या आई है उसको सब मिल बैठ के, हम लोग यहाँ जो इकट्ठे हो गए वो सब मिल बैठ के इसको पार करेंगे, इसको लगाएंगे, सरकार पूरी तरह सुरक्षित है, इनके साथ पूरी मेजोरिटी है, और आने वाले दिनों में हर चीज फ्लोर टेस्ट में इनको सामने आ जाएगी, अगर जरूरत पड़ी तो पूरी तरह आ जाए, इनके साथ मेजोरिटी है, ये हरीश चौधरी जी का कहना है जो जैसलमेर में यहाँ पर इस सियासी गर्मी के बीच आए हुए हैं, और इनकी सरकार भी कई क्षेत्र से कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर आकर हर तरह की इस तरह जो संकट है उसको पार करने में लगे हुए हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर।